वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द स्टैंडर्ड राइडर। तो जयपुर की दूसरी वीडियो में स्वागत है। देखो आपको जो हमने बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि ये करा, जिनमें दो तीन डेस्टिनेशन थी वो कवर करी, और अब टाइम हो चुका है 11:37 और डेट कितनी है आज? 9 नवंबर डेट है। और सीधा अब यहाँ से निकलते हैं, ये हमारा होटल था सामने, अब यहाँ अब यहाँ से चेकआउट कर दिया है। चेकआउट करने के बाद सीधा यहाँ से जाएंगे। देखो हो सकता है मेरे साथ मेरा दोस्त देवानंद है, बहुत तगड़ा शिवम देवानंद, ये प्राची देवानंद दोनों, ये प्राची स्क्वायर 1 प्राची स्क्वायर 2। हम अपना लगेज जो है ना, ये लगेज पकेज ये यहाँ पे सेट होगा, थोड़ा बहुत इधर भी है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि लगेज में कितना सारा कैरी करता हूँ। इस टाइम करा है कम, नहीं तो बाइकों पर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपसे एक काम करता हूँ, लगेज सेट करने के बाद गाड़ी में मिलते हैं, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग होगी, नहीं तो जहाँ भी निकलते हैं मार्केट में निकलते हैं मार्केट की दिखाते हैं, या किले के पास पहुँचेंगे तो किले की दिखाते हैं। गाइस नाउ वी रीच भांगड़ के किला। बाल थोड़ा ऐसे ही हो रहे हैं, हालत अच्छी हो जाती है ट्रैवलिंग में, आपको भी पता है। और ये मेरे सामने इसका मेन गेट है, रोड यहाँ आके खत्म हो जाती है मेन, ये देख लो ये रोड आगे रोड ही नहीं है, सीधा किले आता है। और बंदर माल छीनते बताओ जबरदस्ती, ऐसे सामान वामान छीनते हैं तो अपना खाने पीने का माल जो है अंदर रखे। तो लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, चल रहे हैं भांगड़ के अंदर, चलो चलते हैं। तो सबसे पहले घुसते ही एंट्रेंस ऐसे लगता है फुल डरावना, और रात में यहाँ पे आपको मिलेंगे बंदर, परेशान करेंगे। तो मेरे को नहीं लगता कोई भूत प्रेत होती है जात में, इसे देख के वैसे विश्वास और टूटने लगा था, बाकी नहीं होता। मुझसे बड़ा भूत वो भी कौन सकता है यहाँ पर? कौन मुझसे बड़ा भूत वो भी कौन सकता है? तो सबसे पहले घुसते ही देख रहे हो यहाँ गेट से, जैसे आप इस वाले गेट से एंटर करोगे और ये मंदिर, और चल रहे हैं तो ये रास्ता जा रहा है। हाँ ये बात तो सही है, वो फटेगी सबकी। तो ये जो है ये एंट्रेंस है इसकी, और उधर देखो एक ताऊ बैठे हैं कुल्हाड़ी लेके बलि देने के लिए, तो सबकी बलि दी जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ना छोटी छोटी दीवारें सी जो है, ये सब ये एक टाइम पे मार्केट हुआ करती थी। तो कुछ बताते थे कि यहाँ का जो नाचने वाली नृत्य कला उन्हें जो भी बोलते हैं, तो वो उनका सामान या वो रहती थी, कुछ ऐसा कुछ सीन था यहाँ पे। और यहाँ पे ये नचनिया रहती थी, उनके लिए कोई अच्छा वर्ड है नृत्य कला, वो संगीत कला जो भी होते हैं, नृत्य कला कुछ कहते थे उन्हें। यहाँ पे सामने जो नृत्य कलाकार दरबार में दीवान के पद पर कार्यरत थे। भानगढ़ के मुख्य अवशेषों का प्रचार द्वार, बाजार, हवेलियां, मंदिर, शाही महल, छतरियां, मकबरा आदि है। मुख्य मंदिरों में गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशव राय एवं मंगला देवी मंदिर है जो नगर शैली में बने हुए हैं।
शाही महल 7 मंजिला माना जाता है, परंतु अब इसकी 4 मंजिलें पूरी प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। ग्रामीण सुरक्षा प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बनाए गए हैं, जिन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर और क्रमांश अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फूलबारी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाना जाता है। तो पत्थर देखो ना, ये देखो पत्थर, कभी भी देखे, कभी जिंदगी में देखे ऐसे पेड़ों के जड़ों के अंदर ऐसे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, कितने सारे पत्थर हैं। डिजाइन है पेड़ का, और याला देख ये यूं जा रहा है, ये मिले हुए है ना, ये यूं जा रहे हैं, ये सारे पेड़ मिले। आज मार्केट से निकले, किले की एंट्री कर रहे हैं, और वेलकम टू द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन एशिया। इनमें की लिस्ट में आता है, भानगढ़ भी है उस लिस्ट में। तो ये जो है ना मेन, मतलब देखो जो पहले था वो एग्जाम वगैरह आता है, और ये देखो इसका कुछ बताते हैं प्राचीन स्थल भानगढ़ के बारे में। तो इसका आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैं तो ये जो देख रहे हैं आप, घुसते ही राइट हैंड पे मंदिर है, शायद काली माँ का ऐसी कोई मंदिर था, प्रॉपर ध्यान नहीं है। अगर मेरे को पता चलता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं मेंशन कर दूंगा आपको स्क्रीन पे। ये मंदिर आता है शुरू में, थोड़ा ये पार्क टाइप का बना हुआ है इधर से, और वो देख रहे हो सामने किला, ये 7 मंजिल था और फिलहाल 4 मंजिल के आसपास रह गया है, जो जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था। मेन किला जो है वो ये रहे, इसकी आधी मंजिलें तो शायद टूट गई हैं, हो सकता है आने वाले साल में भी आधी चली जाए। तो मेरे को ये जो है ना हिस्टोरिकल प्लेस जो होते हैं, इनमें इतना इंटरेस्ट है नहीं, ना मैं कभी इनकी रिसर्च करता इतनी, पर जैसे दिल्ली का पुराना किला हो गया और बहुत सारे हिस्टोरिकल है, मेरे को सेम ही लग रहे हैं ये, और कुछ नहीं है इसमें। पर ये देखो ऊपर बंदर बैठा हुआ है। और भानगढ़ आ चुके हैं, वो भी है देखो ये मेन किला, तो किले पे थोड़ा ना आपको चढ़ना पड़ेगा, और चढ़ते चढ़ते पहुंच जाते हैं किले पे, तो मजेदार है ये बिल्कुल ही बिल्कुल। देखो कैमरे में इतनी, कैमरे में इतना पता चलता नहीं है, पर जो चढ़ान है बिल्कुल ही स्ट्रेट है, तो इस पर चढ़ उतरते हैं। और यहाँ पर एक गुफा मिलती है आपको, तो इस गुफा के अंदर चलते हैं। ये तिहाड़ जेल के गेट जैसा लगता है, इतना बड़ा बड़ा तिहाड़ जेल, तो जेल में आ गए हैं और घुसते हैं इसके अंदर, और घुसते ही ना आवाज गूंज रही है। तो इधर उधर देख सकते हो, तो कुछ है नहीं इसमें वैसे खास देखा जाए तो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है खास, यहाँ पे स्मेल आनी शुरू हो गई, सही बात है। तो स्मेल वही है जो चमगादड़ वगैरह की आती है। अच्छा ये देखो ऊपर चमगादड़ दिख रही है,
सारी की सारी इधर ही देख रही है। ये देखो कितनी है, कितनी है देखो। तो मेन जो स्मेल है ना वो इन्हीं चीज की आती है। तो मेरे को लग रहा है हर जो ऐसे कमरा टाइप का है हर कमरे की छत पे आपको ऐसी लटकती हुई मिलेंगी। कोई पूजा वूजा होती है या कुछ है, देख लो माला पड़ी है इधर, दिए पड़े हैं ये सब। तो कोई भी मंदिर वगैरह है नहीं, मेरे को लग रहा है कि ये तो गाइस ये कुछ व्यू आ रहा है यहाँ से भांगड़ के ऊपर, मतलब जो मेन बिल्डिंग जो है ना, फ्लोर बोल लो, फ्लोर के ऊपर वाला व्यू है ये। तो यहाँ से शुरू करते हैं ये रहा। और एक चीज है कि देखो यहाँ जो है ना ये जो दीवारें दिख रही हैं आपको इधर, ये मंदिर है, मंदिर के पीछे ये दीवारें हैं ये रही। तो ये दीवारें मेरे को आई थिंक चारों तरफ होंगी इसके लिए, क्योंकि ये चीज़ें होती है कि उस टाइम पे रक्षा करने के लिए होती थी किले की, और ये जो रॉयल फैमिली होती थी इन सब की। और यहाँ अब तो शायद वो बन गए हैं घर, बता रहे थे कि आज से थोड़े कुछ साल पहले यहाँ कुछ घर वगैरह नहीं थे, तो पाली काफ़ी सुनसान था इस वजह से नाम हो सकता है, बाकी मेरे को नहीं लगता यार पुराना किला भी है। और गार्ड तो रहते ही हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि गार्ड नहीं रहते, तो गार्ड भी तो इंसान ही होते हैं। एक होता है कि चलो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल ख़त्म, वो चीज़ लगती है सर ये। तो अब यहाँ से थोड़ा ऊपर चलते हैं, जो टूटे फूटे जीने हैं इसमें चलते हैं। और ये जीने यहीं ख़त्म हो जाते हैं ये। और कुछ खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। इस महल को डरावना तो नहीं कहूँगा मैं, बस ये है कि कुछ खूबसूरती जो होते ना, खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेस, उन चीज़ों में गिना जाएगा। तो इस किले की जो मेन कहानी है ना, जो जितनी मेरे को पता है उतनी बता सकता हूँ, कि कोई तांत्रिक था और रानी पद्मावती थी या जो भी थी, नाम मेरे को कंफर्म नहीं है। तो एक तांत्रिक उस लड़की को, या राजकुमारी रानी थी, उसे चाहने लगे। तो उसने कुछ परफ्यूम वगैरह में या उसके तेल में, तो कुछ ऐसे तंत्र वंत्र से अपने कुछ ऐसा मिलाया कि जो भी उस चीज़ को लगाएगा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ आ जाएगा, मतलब दौड़े से ले आएगी उस टाइप से। तो उस रानी ने वहाँ की मार्केट से वो ख़रीदा, तो ये चीज़ कैसे ना कैसे रानी को पता चली गई थी। तो रानी ने वो चीज़ अपनी फेंक दी नीचे जो भी था, और वो जाके एक पत्थर पे लगा, और पत्थर पे जाके वो चीज़ टूट गई, जो कांच की शीशी थी वो टूट गई, और वो परफ्यूम था, ये तेल था, उस पत्थर पे लग गया, और वो पत्थर उस तांत्रिक की तरफ आया काफ़ी तेज। तब पत्थर था या चट्टान बोल सकते हैं हम, पत्थर बोलना वो ऐसा होगा। तो चट्टान जो थी वो तांत्रिक की तरफ आई, और तांत्रिक की उसी टाइम मृत्यु होते हुए उसने बोला कि ये किला कभी खंडित हो जाएगा, और कभी इसमें रेजिडेंशियल एरिया नहीं रहेगा। तो इतना हिंदी प्रॉपर देखो, संस्कृत वाली आती नहीं है मेरे को, तो कि यहाँ कोई इस किले में कोई रहने के लायक नहीं रहेगा। तो तब से खंडित होता जा रहा है। और बताते हैं कि इसमें 7 मंजिल इमारत थी और अब 4 मंजिल बची है, और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से देख रहे हो ना आप कि ये सब टूटा हुआ है, और इतने जो है मेंटेनेंस करने के लिए नहीं है। देखो और चीज़ें होती है, और भी किले, उन चीज़ों में मेंटेनेंस होती है, उसमें रहा जाता है, तो हर चीज़ को मेंटेन करा जाता है। पर जो बोलते हैं एशिया की मोस्ट हॉरर प्लेसेस में से आता है, तो मेरे को नहीं लगता कि उसी चीज़ को देखते हुए ना इसे मेंटेनेंस करा जाता है, क्योंकि जितना टूटा होगा उतना ज़्यादा डरावना लगेगा। और पेड़ पौधे भी ऐसे ही हैं यहाँ पे, देख लो कि क्या कैसे किस डिज़ाइन से बने हुए हैं पेड़ पौधे, यहाँ से पहले मैंने कभी नहीं देखे थे ऐसे। तो वही है कि मेरे को भी लगता है कि गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत हाथ है।
सकता कि ऐसी कोई चीज होती नहीं है मेरे मानने से। बाकी बैठे हैं देखो यहाँ पर, बाकी हो सका तो वहाँ ऊपर वगैरह जाएंगे जो मंदिर से बने हुए छोटे छोटे। ये यहाँ पे ये रहा, इधर है मेरे को लगे कैमरे में यहाँ आ रहा है यहाँ पे, हाँ ये रहा ये ना, यहाँ पे देखते हैं अगर जाते वैसे है तो काफ़ी दूर, तो रास्ता वगैरह हुआ तो चले जाएंगे, नहीं हुआ तो अपन तो यहीं तक बैठे हुए हैं। पर एक वो बता रहे थे वहाँ पे कि वहाँ पे रानी स्नान करती थी, वो चीज़ें भी देखते हैं। बाकी देख रहे हो गांव वाले हैं तो बकरी वगैरह चलाने आ जाते हैं। सही है, मेरे में भी अकेले बैठे एक आध जगह है। तो इस टाइम देखो टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं और मेरे को लगा किले ये 5-5:30 बजे तक ही बंद हो जाता है। तो गाइस ये वही कुंड है जिसमें रानी महारानी एक टाइम पे नहाया करती थी, और इस कुंड के बाहर एक चेतावनी लिखी है ये रही, जो चेतावनी आप पढ़ोगे आपको नहीं पढ़वाना। इस कुंड में प्रवेश स्नान करना खतरनाक है क्योंकि कुंड में जहरीले जीव जंतु का वास है, कृपया इससे दूर रहें। तो ये वो कुंड है, फिलहाल तो गंदा हो रखा है, बहुत स्मेल आ रही है इसमें। तो ये कुंड इज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इस कुंड में। बराबर में ये मंदिर, इसके अंदर लिखा हुआ है शिव, तो हमेशा जिसे बोला जाता है ना एक भगवान शिव का ही नाम होता है दिल्ली का शिवलिंग के लिए इसके अंदर, तो फिर ताला लगा रखा है, होती है पूजा वगैरह। तो गाइस टाइम जो हो रहा है 6:10 हो रहे हैं और पूरे मतलब किले में जो अब सबके एग्जिट ही होने लग रहे हैं, और मेरे को ज़्यादा लोग दिख रहे हैं नहीं, वो लास्ट में चल रहा है क्योंकि हमने भी सुबह कुछ खाया नहीं था और गार्ड ने बोल दिया कि चलो आप चलो, नहीं तो जाते नहीं अंधेरे के बाद ही जाते। तो जो भी है जैसा है, भांगड़ का किला देखा पर जो कहते ना कुछ डरावनी वाली फीलिंग आना, ये मेरे को आई थिंक सो दैट ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को। सही है घूमने की जगह है, आओ आराम से घूमो फिर आओ, कोई बात नहीं। अब यार रात में तो पुराने किले में भी मना कर देते कि पुराने किले में भी नहीं आना, पुराने किले में ये थोड़ी कि भूत प्रेत होगा या कुछ होगा, समझ रहे हो। तो वही है ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा बेहतरी है बस वही है कि भाई गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना कि यहाँ की पब्लिक कैसे कमाए। इस गाँव में आ रहे हैं टूरिस्ट आ रहे हैं तो उससे गवर्नमेंट का भी खर्चा चलता है, लोकल बंदों का भी खर्चा चलता है, तो बहुत चीज़ें होती हैं। ये नहीं होता कि आपने एक प्रॉपर्टी है वो रख दी तो सिर्फ उस प्रॉपर्टी को जो ओनर है वो ही कमाएगा, उसका कमाने वाले का जरिया होता है उस रास्ते में जितने भी होटल पड़ते हैं रेस्टोरेंट पड़ते हैं और मॉनली जितने भी रेजिडेंशियल एरिया है ना वो सब कमाता है। तो मेरे को यही लगता है कि कोई भूत वूत कुछ नहीं है, पेड़ वेड़ का डिज़ाइन है ये यूनिक है ये नहीं देखा। और आई थिंक मैं राजस्थान में भी शायद जयपुर इस साइड पहली बार आया हूँ तो देखा नहीं। चलो जो भी जैसा भी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ से दिल्ली का पार्ट अगर देखना है तो मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाके देख सकते हो। तो किसी का चैनल है मेरे फ्रेंड है उन्हीं का ही है, तो उस चैनल को आप देख सकते हो, उसमें आपको दिल जाएगा प्रॉपर। क्योंकि मैं यार ज़्यादा व्लॉग बनाता हूँ अब जी नहीं करता मैं जो है ना, क्योंकि लैपटॉप मैंने तोड़ चुका हूँ अपना, एडिटिंग में दिक्कत होती है तो फ़ोन से एडिटिंग कर रहा हूँ अभी। तो जो भी जैसा भी चलते हैं, चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टेक केयर, सब खैर अला और राम राम सभी भाइयों को। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, कमेंट कुछ भी करना, कोई भी क्वेश्चन हो मैं तो बोलता हूँ आपको कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन हो ना किसी भी राइट से रिलेटेड किसी भी वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हो, आईडी यहाँ आ रही है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। चलो ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।
तो गाइस 6:30 हो चुके हैं, बिल्कुल मंदिर के बाहर खड़े हैं, देख रहे हो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है ये। और निकलते हुए ये मंदिर है, ठीक है, और श्री हनुमान जी का मंदिर है। जय श्री राम। और यहाँ से चलते हैं।